मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि देश में दोबारा से लॉकडाउन किया गया है और 3 मई को ये लॉकडाउन खुलेगा। इस कोरोना वायरस को देखते हुए सभी राज्यों के में प्रशासन और शासन इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोरोना का खात्मा हो। वहीं हम थाने से सटे मुमरा शहर की बात करें तो मुमरा शहर के अमृत नगर इलाके में, अम्बेडकर नगर में, इस लॉकडाउन की वजह से कई रहवासी खाना राशन से परेशान है और वो इस बारे में जानते हैं। उनसे एक दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद में आज कितने दिन हो गए लॉकडाउन को? 1 महीना होने को आया लगभग। क्या बोले थे गवर्नमेंट ने? घर में बैठो, अपने सुरक्षा के लिए तुमको सब कुछ घर में मिलेगा। दूध का भाव बढ़ रहा है, अनाज का भाव बढ़ रहा है, सिंगदाना 200 रुपया किलो हो गया, गरीब आदमी खाएगा क्या? बर्तन घसने को हम लोग को जाने नहीं दे रहे। हमारे बच्चे नौकरी धंधे पे जो टेम्पोररी काम पे है मॉल में 10-8 हज़ार रुपया पगार लेते, वो लोग भी घर पे है। हमको गए महीने से आज तक पगार नहीं मिला। बाल बच्चे छोटे छोटे, एक एक घर में 12-12 परिवार है, क्या खाएंगे? एक भी नगर सेवक ये अम्बेडकर नगर के अंदर एक भी नगर सेवक का आदमी इधर आया नहीं, हमारी पूछताछ करने ने हमको कुछ दिया। और जहाँ पे यहाँ पे खिचड़ी बांटी जाती है तो इतनी सी खिचड़ी, 200 ग्राम की खिचड़ी बांटी जाती है, वो भी इधर के इंसान लोग लाने जाते हैं तो बोलते तुमको क्या जरूरत है? तो हम लोग ने पहले से घर बांधा है। ये अभी हुआ है, ये सब महामारी अभी आई है, इसके पहले नहीं आई थी। तो हम लोग खिचड़ी मांगने गए तो हमको ये जवाब देते कि 40 आदमी का आया है। अम्बेडकर नगर में करीबन यहाँ से यहाँ तक 5,000 के नीचे घर नहीं है। हाँ, तो इतने घर के अंदर 40 जन का खाना आया, वो भी खाना देते तो नहीं है, जिसको गया उसको गया। 2 किलो चावल, इतनी सी मसाला की पूड़ी, 1.5 किलो कांदा और 1 पैकेट तेल, ये कितना दिन जाएगा? 1.5 किलो चावल बताओ। अभी हमारे घर में आके चलो 11 आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ताई, एक हमारे पास एक एक पैकेट घर में, हम लोग तो लेते नहीं है पैकेट, कभी कभी खिचड़ी भी रोज खाएंगे, खिचड़ी रोज की, रोज रोज खिचड़ी लेते नहीं है। जो भी नगर सेवक होगा, हम लोग चुनाव में उनको दिए है चुनाव करके, तो उन लोग ना हमको हमारे एरिया में आके हमको देखना चाहिए था ना, कोई आया भी नहीं, कोई आया भी नहीं, क्यों नहीं आते? परी काम को है, पर राशन दुकान में गए तो राशन दुकान में राशन मांगने गए तो वो लोग बोलते सिर्फ कार्ड वाले को देंगे, तो बिना कार्ड वाले के मरेंगे क्या? वो तो बता, हम भी दो ही जाने, मुझे भी पापा नहीं है, तो दुनिया क्या करेगी? सरकार ऐसे बोले कि आधे को देने का, आधे को नहीं देने का। सरकार से ये सवाल है, रोज रोज खाली चावल से चावल खाने का, खाली चावल ही क्या खाने का, खाली चावल ही खाने का क्या पे किसी भी तरह से मदद नहीं हो रही है, क्योंकि जो आ रहा है वो अपना खिस्सा भर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ज्यादा करके आता है 20-30 जन को बांटा जाता है धान्य, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे इसी तरह से राशन बांटा जा रहा है, वो भी 20 या 30 जन को। अच्छा, 40 नजर में है, जो भी अपनी नजर में अच्छे से है उनको ही मिल रहा है। मुमरा में कुछ कम करे, यहाँ पे हम लोगों को अभी कितना 3 बार राशन बढ़ा है, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा, राशन कार्ड की बस नहीं है सर, और ये भी रूल राशन वाले बोलते हैं जिसके पास कार्ड है उसको मिलेगा, सर जिसके पास नहीं वो जनता क्या करेगी? यहाँ पे 80% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो हम लोगों के लिए भी तो कुछ तो करना चाहिए। रूल्स तो एक ही होना चाहिए सर, क्योंकि इस टाइम बड़े छोटे अमीर गरीब सभी एक समान हो चुके हैं, तो हम लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। और राशन कार्ड नहीं हमारे पास, लेकिन हमको राशन मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। हमारा ये जो बात है वहाँ पहुँचा दीजिए सर। हमारे इस बारे में जब हमने यहाँ के रहवासियों से बात की तो उन्होंने यहाँ पे बताया हमें कि जब से लॉकडाउन लगा है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमें पूछने वाला नहीं है। यहाँ के जो जितने लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो सभी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और रोज़ाना कुआ खोदते हैं, रोज़ाना पानी पीते, इस तरीके का इनका हाल है। और यहाँ पे जो भी अनाज की खाने की यहाँ मदद की जा रही थी वो भी कुछ लोगों को ही दिया जा रहा था, कुछ लोगों को ही राशन दिया जा रहा था, कुछ लोगों को ही खाना दिया जा रहा था।
जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। उनका कहना था कि जब से ये लॉकडाउन लगा है कोई भी नगर सेवक यहाँ पे नहीं आया है। वहीं उन्होंने अनाज के ताल्लुक से बताया कि जो अनाज उन्हें दिया जा रहा है, जो भी चंद लोग को दिया जा रहा था, वो ये बोल के दिया जा रहा था कि ये पूरे महीने का राशन है। वहीं उन लोगों ने बताया कि ये देखिए राशन, ये किस तरीके का यहाँ पे राशन दिया जा रहा है और इसे एक महीना चलाने के लिए कहा जा रहा है। इस तरीके की परेशानी यहाँ के अमृत नगर के अम्बेडकर नगर के रहवासियों ने बताई। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा।